चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए, मैं स्पेशली दो पेनों का इस्तेमाल करता हूँ, एक तो ब्लू और दूसरा रेड। रेड स्पेशली क्वेश्चन लिखने के लिए होता है, जो कि मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 4.2। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2p, ठीक है, देन सो दैट 8pq इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 2b माइनस ए 2p माइनस बी 2p माइनस सी। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे बेटर है, जो चीज़ हमें दिया हुआ है, जो ये पोर्शन दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2p, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2p, इससे हमें क्या मिलेगा? हमें सेपरेटली इससे ए प्लस बी निकाल लेना है। पहले तो निकालना इसे मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू आर 2p माइनस सी, ठीक है। और ये निकालने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। सिमिलरली हमें और कुछ निकालना है, सिमिलरली हमें निकालना है, देखिए ए प्लस बी हम लोगों ने निकाला है, अभी हमें निकालना है बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 2p माइनस ए, इसको इक्वेशन 2 देना है, ठीक है। एंड सिमिलरली हमें ए प्लस बी निकल गया, बी प्लस सी निकाल लिया, अभी हमें चाहिए सी प्लस ए, ठीक है। सी प्लस ए इज़ व्हाट, देखिए यहाँ पे ए सी है, बी नहीं है, तो सिंपली 2p माइनस बी कर दीजिए, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अभी हमें मेन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आना है। हमारे रिक्वायरमेंट क्या है? 8pq इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 2p माइनस ए 2p माइनस बी और 2p माइनस सी है, मेन रिक्वायरमेंट ये है और गिवन हमारे पास ये है, ठीक है। तो दोबारा हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिंग बोथ साइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 2p ब्रैकेट में क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8q हो जाएगा, तो हमें ये मिल रहा है, तो ये देखने से हमें पता चलता है। तो पहले हम लिख लेते हैं नाउ, ठीक है। देखिए नाउ हम फिर से ये लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2p, ठीक है। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू 2p होल क्यूब, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। विल गेट दिस, नाउ वी हैव टू राइट दिस फार्मूला, हमें इस फार्मूला को लिख लेना है। ये फार्मूला नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.2 के बिगिनिंग में हमें 10 फार्मूला मिला था, उसमें से फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, वट वी हैव टू राइट हियर, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p to the power 3 है, तो ये हो जाएगा 8p3। अभी आप देखिए, हमें अप्रॉक्सीमेटली जो साइड है यहाँ का, ये तो हमें मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वाला तो हमें मिल गया आसानी से, ये मिल गया, ये मिल गया। अभी हमें क्या करना है, जो मिसमैच हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3a plus b b plus c c plus a हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिख लेते हैं अल्टरनेट करके। देयरफॉर 8pq इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस सी क्यू, उसके बाद प्लस 3, ये 3 है, इसको लिखेंगे ए प्लस बी बी प्लस सी, इसको लिखेंगे सी प्लस ए। अभी क्या करेंगे, जो ये जो टर्म है, देख लो आप, ये जो दिखा रहा है, ये इतना पोर्शन है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 1 हम लोगों ने क्या फाइंड किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2p माइनस सी। सिमिलरली बी प्लस सी हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, 2p माइनस ए, और सी प्लस ए हम लोगों ने फाइंड किया 2p माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है जहाँ पे, मतलब ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस करते ही हमें अपना जो मेन प्रूफ है 8pq प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू, ये हमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जा रहा है। अभी आप लिख लीजिए डायरेक्टली, सी क्यूब, अभी क्या मिल रहा है हमें, ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी इज 2p माइनस सी,
टू पी माइनस सी, ठीक है। बी प्लस सी इज़ व्हाट, बी प्लस सी इज़ व्हाट, टू पी माइनस ए, ठीक है। सी प्लस ए, सी प्लस ए क्या है, सी प्लस ए टू पी माइनस बी, ठीक है ना। नाउ वी गॉट द रिजल्ट, अभी ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिए एट पी क्यूब, एट पी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस क्या मिल जाएगा हमें, थ्री टू पी, अरेंज कर लीजिए पहले ए को ले आइए, ठीक है, उसके बाद बी को ले आइए, टू पी माइनस बी, उसके बाद टू पी माइनस सी, ठीक है। ये रिजल्ट है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका रिजल्ट है, ये लिख लीजिए, प्रूव हो गया ये, ठीक है। नाउ इट इज़ प्रूव्ड।